रूस में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप 2018 में सोमवार को बेल्जियम ने पनामा को 3-0 से हरा दिया। सोमवार को 3 मैच खेले गए। पहला मैच निजनी नोवगोरोड स्टेडियम में स्वीडन और कोरिया रिपब्लिक के बीच खेला गया, जिसे स्वीडन ने 1-0 से अपने नाम किया। स्वीडन की तरफ से गोल करने वाले उसके कप्तान एंड्रियास ग्रैंडक्विस्ट मैन ऑफ द मैच रहे। दूसरा मैच फिस्ट स्टेडियम में बेल्जियम और पनामा के बीच खेला गया, जिसे बेल्जियम ने 3-0 से जीत लिया। मैच में 2 गोल करने वाले बेल्जियम के फॉरवर्ड खिलाड़ी रोमेलू लुकाकू को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तीसरा मैच वोल्गोग्राड अरीना में ट्यूनीसिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया, जिसे इंग्लैंड ने 2-1 से अपने नाम किया। इंग्लैंड ने 2006 के बाद पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट का अपना शुरुआती मैच जीता है। मैच में 2 गोल करने वाले इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन मैन ऑफ द मैच रहे।